फिल्म में 1760 के समय की स्टोरी को दिखाया है। तो बार्नाबास और उसके पेरेंट्स काफ़ी अमीर लोग थे और वो लिवरपूल को छोड़कर एक नई दुनिया मेन पर जाते हैं। वहाँ पर वो मछलियों का व्यापार करते हैं और अपना एक नया गांव बसाते हैं जिसका नाम था कॉलिन्स पोर्ट। वो अपना एक घर भी बनाते हैं जिसका नाम था कॉलिन वुड। तो 15 साल बाद उनके घर पर एक एम्प्लॉय भी थी जिसका नाम था एंजेलिक, लेकिन वो एक चुड़ैल भी थी। वो बार्नाबास से प्यार करती थी लेकिन बार्नाबास उससे प्यार नहीं करता था और वो उसे ठुकरा देता है। इसी बात पर एंजेलिक उनके घर को श्रापित कर देती है और वो बार्नाबास के पेरेंट्स को भी मार देती है। बार्नाबास जोसेट नाम की एक लड़की से भी प्यार करता था लेकिन एंजेलिक उसे भी श्रापित कर देती है और जोसेट वीडो हिल से कूद जाती है सुसाइड करने के लिए, लेकिन बार्नाबास उसके पीछे उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन वो मरता नहीं है क्योंकि एंजेलिक ने उसे वैम्पायर बना दिया था और वो पूरे गांव को बार्नाबास के खिलाफ कर देती है और वो सभी मिलकर बार्नाबास को जिंदा ही दफना देते हैं। और अब फिल्म में 1972 के समय की स्टोरी को दिखाया है। तो ट्रेन में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम मैगी रहता है, बट वो अपने नाम को बदलकर विक्टोरिया विंटर रखती है और वो बिल्कुल जोसेट की तरह ही दिखती थी। तो वो कॉलिन वुड जाती है गवर्नेस की जॉब के लिए। वहाँ पर वो एक एम्प्लॉय से मिलती है जिसका नाम विली रहता है। विली उसे एलिजाबेथ से मिलाता है और एलिजाबेथ विक्टोरिया को घर दिखाती है। उनके घर में 200 रूम थे लेकिन उनके घर में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। कॉलिन वुड में एलिजाबेथ, उसकी बेटी कैरोलिन और एलिजाबेथ का भाई रोजर और उसका बेटा डेविड रहता था। डेविड को अपनी मॉम की आत्मा दिखाई देती थी। सभी को लगता है कि वो पागल है, इसी वजह से उन्होंने डेविड की डॉक्टर को भी बुला रखा था जिसका नाम था जूलिया हॉफमैन और वो भी उन्हीं के घर पर रहती थी। तो अब इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से मिलाती है, लेकिन कैरोलिन सभी से दूर रहना पसंद करती थी। तो वो सभी अब डिनर कर रहे होते हैं और वहीं पर विक्टोरिया डेविड से भी मिलती है। इसके बाद विक्टोरिया अपने रूम में रहती है और वहाँ पर उसे जोसेट की आत्मा दिखाई देती है और वो उससे सिर्फ एक ही बात कहती है कि वो आ रहा है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन मेंबर्स को दिखाते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बार्नाबास की कवर मिल जाती है और वो उसे ओपन करते हैं जिसकी वजह से बार्नाबास आज़ाद हो जाता है। और वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं बार्नाबास उन सभी के खून को चूस लेता है। वो ऐसा करना नहीं चाहता था बट वो मजबूर था क्योंकि वो काफ़ी सदियों से प्यासा था क्योंकि वो एक वैम्पायर था। अब वो कॉलिन वुड के रास्ते जाता है, बीच में उसे एक रोड दिखाई देता है और बार्नाबास के ज़माने में रोड नहीं रहते थे तो उसे पता नहीं था कि ये क्या है। वहाँ पर एक कार भी आती है और बार्नाबास को लगता है कि ये कोई दानव है। इसके बाद वो टाउन जाता है, वहाँ पर वो मॉडर्न वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद वो फाइनली अपने घर कॉलिन वुड पहुँच जाता है। वहाँ पर वो एम्प्लॉय विली से मिलता है और उसे हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेता है। इसके बाद वो एलिजाबेथ से मिलता है और उसे बताता है कि वो बार्नाबास कॉलिन है, लेकिन एलिजाबेथ उस पर विश्वास नहीं करती है। तो बार्नाबास उसे एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है जिसमें काफ़ी सारा खजाना रहता है। ये सब देखकर एलिजाबेथ को बार्नाबास पर विश्वास हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो कॉलिन परिवार का बार्नाबास ही है, लेकिन इस बात को वो सभी से छुपाती है। तो वो सभी डिनर कर रहे होते हैं और अपने फैमिली को एलिजाबेथ बताती है कि बार्नाबास हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। वो किसी को भी नहीं बताती है कि वो एक वैम्पायर है। तो वहीं पर बार्नाबास विक्टोरिया से भी मिलता है। वो जोसेट की तरह दिखती थी जिससे वो प्यार करता था, इसी वजह से वो विक्टोरिया से भी प्यार करने लगा था। अब इसके बाद एंजेलिक को दिखाते हैं तो वो अभी भी जिंदा थी और लोग उसे एंजी के नाम से जानते थे और वो एंजल बे सी फूड कंपनी की ओनर भी थी। इसका मतलब अब उसके पास काफ़ी पैसा था और वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि बार्नाबास आज़ाद हो गया है। तो वो कॉलिन वुड जाती है, वहाँ पर वो बार्नाबास से मिलती है। बार्नाबास उसे अकेले में ले जाकर उससे बातें करता है, लेकिन वहाँ पर एनजी बार्नाबास को किस करती है ये देखने के लिए कि वो सच में है या नहीं। इसका मतलब ये था कि एनजी अभी भी बार्नाबास से प्यार करती थी। तो वहाँ पर वो उससे बातें करती है, उसके बाद वहाँ से चले जाती है।
अब इसके बाद बार्नबास काफ़ी डीमोटिवेट रहता है क्योंकि एंजी ने उससे सब कुछ छीन लिया था, उसका परिवार, उसका पैसा, उसकी इज्जत और उसे वैम्पायर भी बना दिया था। लेकिन एलिजाबेथ बार्नबास को मोटिवेट करती है और उसे हौसला देती है कि उसे ये सब ठीक करना होगा। तो इसी वजह से बार्नबास कॉलिन वुड को यानी अपने घर को रिपेयर करवाता है और अपने बिजनेस को फिर से शुरू करवाता है। वो अपनी कॉलिंस कैनिंग कंपनी को दोबारा से शुरू करता है। इसके बाद वो कैप्टन क्लैरी से मिलता है और उसे हिप्नोटाइज करता है ताकि उससे वो सारी मछलियों को खरीद सके अपने बिजनेस के लिए। तो बार्नबास अब अपने घर पर रहता है और वो सीक्रेट रूम से बाहर निकलता है। वहाँ से बाहर निकलते टाइम रोजर उसे देख लेता है। अब इसके बाद बार्नबास जूलिया के पास रहता है और जूलिया बार्नबास को हिप्नोटाइज करती है और उसे पता चल जाता है कि वो एक वैम्पायर है और एलिजाबेथ को इसके बारे में पता था और उसने सबसे ये बात छुपाई थी। तो जूलिया अब एलिजाबेथ के पास जाती है और वो एलिजाबेथ से काफ़ी गुस्सा रहती है इसी बात के ऊपर, लेकिन वो बार्नबास के बारे में किसी को भी नहीं बताती है क्योंकि वो कॉलिन परिवार की काफ़ी वफादार थी। तो अब इसके बाद बार्नबास कैरोलिन के पास रहता है और वो कैरोलिन से पूछता है कि वो विक्टोरिया को कैसे पटा सकता है। तो कैरोलिन उसे बताती है कि उसे नॉर्मल लोगों की तरह बनना होगा क्योंकि वो पुराने ख्यालात का था, क्योंकि वो था भी पुराने ज़माने का। तो वो इंसान बनने का सोच लेता है। अब वो कुछ हिप्पीज के साथ रहता है और उनसे बातें कर रहा होता है, बट उसके बाद वो उन सभी के खून को चूसकर उन्हें मार देता है। तो अब इसके बाद वो डॉक्टर जूलिया के पास रहता है और वो उससे अपने अंदर इंसान का खून चढ़ाने के लिए कहता है ताकि वो इंसान बन सके। अब इसके बाद एनजी बार्नबास के साथ एक मीटिंग रखती है और वो बार्नबास को पैसे का ऑफर देती है ताकि वो अपने बिजनेस को बंद कर ले, लेकिन ऐसा करने के लिए बार्नबास मना कर देता है। तो एनजी अभी भी उससे प्यार करती थी और वो उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा नहीं तो मैं विक्टोरिया को मार दूंगी, जो कि बिल्कुल जोसेट की तरह देखती थी। तो बार्नबास विक्टोरिया से प्यार करता था और वो उसे बचाने के लिए एनजी के साथ सेक्स भी करता है। ये सब काफ़ी टाइम तक चलता है, लेकिन इसके बाद बार्नबास एनजी को ठुकरा देता है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता था और वहाँ से आ जाता है अभी। तो इसके बाद वो डॉक्टर जूलिया के पास रहता है और अपने अंदर इंसान का खून चढ़वाता है इंसान बनने के लिए। तो इसके बाद वो सभी खाना खा रहे होते हैं और वो हैपनिंग्स के बारे में सोचते हैं, मतलब कि वो एक तरह से फंक्शन था जिसमें वो पूरे गांव वालों को इनवाइट करते हैं। वहाँ पर वो एलिस कूपर को भी बुलाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए और वहीं पर बार्नबास विक्टोरिया से भी मिलता है। विक्टोरिया उसे अपनी स्टोरी सुनाती है। तो विक्टोरिया को स्टार्टिंग से ही जोसेट की आत्मा दिखाई देती थी, इस वजह से उसको पेरेंट्स को लगा कि वो पागल है और वो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। लेकिन विक्टोरिया वहाँ से भाग आती है और जोसेट की आत्मा उसे रास्ता दिखाती है और वो उसे कॉलिन वुड ले आती है। तो जोसेट बार्नबास से प्यार भी करने लगी थी और वहाँ पर वो दोनों किस भी करते हैं, लेकिन उनको किस करते एनजी देख लेती है और उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है। अब इसके बाद बार्नबास पूरी तरह से इंसान बनने के लिए डॉक्टर जूलिया के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि डॉक्टर जूलिया बार्नबास के अंदर इंसान का खून नहीं चढ़ा रही थी, बल्कि वो तो बार्नबास के अंदर से खून निकाल रही थी ताकि वो अपने अंदर उस खून को चढ़ाकर अमर बन सके। तो इसी बात पर बार्नबास डॉक्टर जूलिया के सारे खून को चूस लेता है और उसे मार देता है और विली के साथ वो उसे समुद्र में डुबा देता है और सभी लोगों से कह देता है कि वो काम के लिए बाहर गई है। अब बार्नबास अपने घर पर जाता है, वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि रोजर उसके सीक्रेट रास्तों को ढूंढ रहा था। तो वहीं पर बार्नबास उसे दो चॉइस देता है, वो उसे कहता है कि या तो तुम एक अच्छा डैड बनो और या फिर तुम यहाँ से खूब सारा पैसा लेकर दूर चले जाओ और कभी भी वापस मत आना। तो रोजर दूसरी चॉइस को चुनता है, वो ढेर सारा पैसा लेकर अपने बेटे को छोड़कर चले जाता है। इससे डेविड को काफ़ी बुरा लगता है और वो भागने लगता है, उसी वजह से उसके ऊपर डिस्को बॉल गिरने वाली रहती है, लेकिन बार्नबास उसे बचाता है। लेकिन इतने ही बार्नबास धूप के सामने आ जाता है जिससे वो जलने लगता है और वहाँ पर जितने भी रहते हैं सभी को पता चल जाता है कि बार्नबास एक वैम्पायर है और इसी बात पर विक्टोरिया भी बार्नबास से दूर चले जाती है।
अब इसके बाद बारनबास एनजी के पास जाता है ताकि वो उसे दोबारा से इंसान बना दे, वो उसके शराब को वापस ले ले। लेकिन एनजी ऐसा करने के लिए मना कर देती है और वो उसे फिर से कैद कर लेती है और वो उसकी कंपनी को भी जला देती है। लेकिन डेविड बारनबास को छुड़ा लेता है। अब इसके बाद एनजी को दिखाते हैं, वो पूरे गांव को फिर से कॉलिन के खिलाफ कर देती है और वो पुलिस को भी बारनबास ने जितने लोगों को मारा था उसके बारे में बता देती है। अब इसके बाद पुलिस और गांव वाले कॉलिन वुड जाते हैं और वहां पर जाकर पुलिस उन सभी को अरेस्ट करने वाली होती है क्योंकि उन्होंने एक मुजरिम को पनाह दी थी। लेकिन इतने वहाँ पर बारनबास आ जाता है और वो एनजी से लड़ने लगता है। एनजी भी बारनबास से लड़ती है और सभी को पता चल जाता है कि एनजी भी एक चुड़ैल है। और वहीं पर हमको पता चल्ता है कि कैरोलिन भी एक वेयरवॉल्फ थी और वो भी एनजी से लड़ती है। तो एनजी वहाँ पर कॉन्फेस करती है और वो बताती है कि बारनबास के पेरेंट्स को भी उन्हीं ने मारा था और कैरोलिन को वेयरवॉल्फ भी उसी ने बनाया था और यहाँ तक कि डेविड की मॉम को भी उसी ने मारा था। लेकिन इतनी वहाँ पर डेविड की मॉम आ जाती है, यानी कि उसकी मॉम की आत्मा, और वहाँ पर वो ज़ोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से झूमर एनजी के ऊपर गिरता है और वो मर जाती है। अब इसके बाद बारनबास देखता है कि वहाँ पर विक्टोरिया नहीं रहती है क्योंकि वो वीडो हिल की तरफ जा रही थी सुसाइड करने के लिए। तो बारनबास उसके पास जाकर उसे रोकता है। तो वहीं पर विक्टोरिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम अमर हो और तुम धूप के सामने भी नहीं जा सकते। तो वो खुद को वैम्पायर बनाने के लिए कहती है बारनबास से, लेकिन बारनबास उससे मना कर देता है और विक्टोरिया वीडो हिल से कूद जाती है। लेकिन बारनबास उसे बचाने के लिए कूदता है और कूदते टाइम वो बीच रास्ते में उसे काट लेता है। तो जैसे वो नीचे गिरते हैं विक्टोरिया मरती नहीं है क्योंकि वो भी अब वैम्पायर बन जाती है और वो दोनों वैम्पायर बन जाते हैं और वहाँ पर वो किस भी करते हैं। बारनबास को लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि इसके बाद जूलिया को दिखाते हैं, उसके अंदर अब बारनबास यानी कि एक वैम्पायर का खून था और वो भी एक वैम्पायर बन जाती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।